सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ऊपर पोस्टर में, सेम वैसे ही फ़ोटो आज एडिट करेंगे, वो भी एक ही ऐप में। तो गाइज, ये एडिट करेंगे फ़ोटो सिर्फ एक ही ऐप में, वो भी स्नैपसीड में। गाइज, हमको इसके अलावा कोई दूसरा ऐप यूज करना नहीं है। तो उसके बाद से यहाँ से देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, ये बैकग्राउंड है इसका और ये है रियल पिक। तो गाइज, इस पिक को बैकग्राउंड में ऐड करेंगे। तो हमें करना क्या है सबसे पहले, तो गाइज हमको इस बैकग्राउंड को अपने स्नैपसीड के अंदर लेके चले जाना है। तो यहाँ से शेयर ऑल ऑप्शन पाएंगे और स्नैपसीड में एंटर कर लेंगे। उसके बाद से हमें करना क्या है, टूल्स वाले ऑप्शन पाएंगे और ट्यून इमेज पे जाएंगे। इसे थोड़ा सिचुएशन को प्लस में रखना है और एम्बियंस को भी प्लस में रखना है और हाईलाइट को माइनस में कर देंगे और शैडो को भी प्लस में कर देंगे। उसके बाद से यहाँ से डन कर देंगे सही वाले ऑप्शन से। इतना करने के बाद से हमें फिर वापस टूल्स पे आना है। टूल्स पे आने के बाद से यहाँ से हीलिंग का ऑप्शन दे रहा है इसे। तो गाइज, कुछ इस प्रकार से इसे गैप कर देंगे। गैप करने के बाद से फिर सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से फिर हमें वापस आना है टूल्स वाले ऑप्शन पे। टूल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद से नीचे की साइड में आने के बाद से यहाँ से डबल एक्सप्लोजर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें एंटर करना है। उसके बाद से आपको साइड में प्लस इमेज प्लस का ऑप्शन देता होगा, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना मॉडल ऐड करेंगे। तो गाइज, ये रही हमारी पिक। तो गाइज, कुछ प्रकार से ऐड कर लेंगे अपनी पिक को। यहाँ से अपनी पिक को इतना पे साइज में करके ऐड कर लेते हैं। सो गाइज, कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे अपनी पिक को। आप भी कुछ अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से हमें करना क्या है, फिर यहाँ से आना है इस वाले ऑप्शन पे, इसे फुल कर देंगे, प्लस में रखेंगे और यहाँ से सही वाले ऑप्शन से डन कर देंगे। अब ऊपर की साइड में यहाँ से तीर वाले ऑप्शन पे आना है। तीर वाले ऑप्शन पे आने के बाद से वेब एडिट्स पे जाना है। उसके बाद से डबल एक्सप्लोजर को यहाँ से खोलेंगे और अपना यहाँ से बीच वाले ऑप्शन को, ब्रश वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और हमें इसे इस वाले ऑप्शन को कुछ इस टाइप से कर देना है। और गाइज, कुछ इस प्रकार से हमें इरेज करना है। गाइज, कुछ इस प्रकार से हम इरेज कर देते हैं। तो गाइज, इरेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो गाइज वीडियो बिल्कुल थोड़ा फास्ट कर देते हैं कि टाइम लगे ना। सो फ्रेंड, हमारी पिक इस तरह से कुछ इरेज कर लिए हैं। तो बैकग्राउंड देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बदल चुका है। तो सबसे पहले तो यहाँ से डन कर देंगे सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। डन करने के बाद से यहाँ से तीर से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद से फिर गाइज हमें टूल्स वाला ऑप्शन पे आना है। टूल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद से हमको फिर वापस वहीं पे जाना है डबल एक्सप्लोजर पे। फिर यहाँ से अपना इमेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से फिर गाइज यहाँ से अपनी पिक को ले लेंगे पीएनजी। तो गाइज, ये रही हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड रहने के बाद से फ्रेंड, कुछ इस प्रकार से हम अपने एरोप्लेन को सेट कर लेंगे और यहाँ से इसे कुछ इस तरह से कर लेंगे प्लस में। फिर हमें वापस तीर वाले ऑप्शन पर आना है और वेब सीरीज पे जाना है। डबल एक्सप्लोजर को खोलना है और यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पाएंगे और इसे कुछ इस तरह से इरेज कर देंगे। तो हम इसे जीरो कर देंगे और इरेज। सो
सो गाइस जितना करने के बाद से फिर हमें यहाँ से सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से फिर यहाँ से वापस आ जाएंगे तीर से बैक होकर, और फिर हमें आना होगा टूल्स वाले ऑप्शन पे। टूल्स वाले ऑप्शन पर आने के बाद से यहाँ से सिलेक्टिव का ऑप्शन दे रहा है, इस पर आएंगे और कुछ इस प्रकार से थोड़ा अपने चेहरे पर लाइट कर देंगे, तो कुछ इस तरह से लाइट कर देंगे। सो फ्रेंड कुछ इस प्रकार से अपने चेहरे पे लाइट कर दिया है। उसके बाद से हमें करना क्या है, वापिस हमको आना है यहाँ से टूल्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से एक ड्रामा वाला ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे हल्का सा +10 कर देते हैं और इसे हम लोग कम कर देंगे, इतना पे कर लेंगे और इसे कम कर लेंगे, और उसके बाद से फिर यहाँ से सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से फिर गाइज हमें टूल्स वाला ऑप्शन पे आना है और यहाँ से पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे। पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे आने के बाद से इसे प्लस में रखेंगे और स्किन स्मूथिंग को भी और इसे भी थोड़ा। सो गाइज फिर यहाँ से सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो गाइज हमारा पिक कुछ इस प्रकार से एडिट हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।